सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस को दिल्ली की तिहाड़ जेल से लेकर पंजाब पुलिस बुधवार सुबह 3:30 बजे मानसा पहुंची। तड़के 4 बजे ही उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। वहां से 7 दिन का रिमांड मिलते ही पुलिस ने उसे तुरंत सीक्रेट लोकेशन पर पंजाब कर दिया। पुलिस की 12 गाड़ियों का काफिला लॉरेंस को लेकर दिल्ली से वाया सोनीपत पानीपत करनाल अम्बाला होते हुए पंजाब में दाखिल हुआ। यह सबसे व्यस्त हाईवे है जहां किसी गैंग के लिए लॉरेंस पर अटैक करने का खतरा सबसे कम था। पुलिस के पास 24 घंटे थे, फिर तड़के पेशी क्यों? मंगलवार शाम को दिल्ली से लॉरेंस को लेकर चली पंजाब पुलिस के पास उसे मानसा कोर्ट में पेश करने के लिए 24 घंटे का वक्त था। इसके बावजूद उसे तड़के 4 बजे ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। इसका मकसद लॉरेंस को जल्द से जल्द किसी सेफ लोकेशन पर पहुंचाना था। अगर पुलिस बुधवार दोपहर या शाम तक लॉरेंस को मानसा कोर्ट में पेश करती तो वहां लोगों का जमावड़ा लग जाता। दिन में मूवमेंट के समय रोड पर ट्रैफिक भी अधिक रहता। तब लॉरेंस के लिए रूट सैनिटाइज करते हुए ट्रैफिक रोका जाता तो रूट एक्सपोज हो जाता। ऐसे में पुलिस ने सुबह 4 बजे ही लॉरेंस को मानसा में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर 7 दिन का रिमांड ले लिया और सुबह होने तक उसे मोहाली में खरड़ स्थित CIA के ऑफिस में शिफ्ट कर दिया। लॉरेंस को जब खरड़ CIA दफ्तर लाया गया तो मीडिया सहित सबको इसका पता चल गया। हर अफसर से सवाल होने लगे। भीड़ की वजह से लॉरेंस को खतरा बढ़ते देखकर पंजाब पुलिस ने नई चाल चली। सुबह 10 बजे के आसपास खरड़ CIA दफ्तर से 2 काफिले निकाले। दोनों काफिलों में एक एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। इनमें से एक काफिला मानसा भेजा गया और दूसरा होशियारपुर। अब लॉरेंस खरड़ में है या इनमें से किसी एक काफिले में उसे ले जाया जा चुका है, ये किसी को पता नहीं। दरअसल पुलिस लॉरेंस को सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट कर चुकी है। गैंगस्टर लॉरेंस और उसके साथियों ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने इसे लॉरेंस के करीबी विक्की के कत्ल का बदला बताते हुए मूसेवाला को बम्बीहा गैंग से जोड़ दिया। इसके बाद बम्बीहा गैंग ने मूसेवाला के मर्डर का बदला लेने की धमकी दी है। बम्बीहा गैंग से ही जुड़े दिल्ली के दाऊद नाम से मशहूर गैंगस्टर नीरज बवाना ने भी लॉरेंस को धमकी दी है। गैंगस्टर भूपी राणा भी मूसेवाला का कत्ल करने वालों का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर चुका है। पंजाब में इस समय बम्बीहा गैंग के साथ बवाना, भूपी राणा, कौशल चौधरी, टिल्लू ताजपुरिया समेत 7 गैंग लॉरेंस के खिलाफ एकजुट हो चुके।